गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स, ग्रेड वन की हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपनी मुग्धा पुस्तिका का पाठ 3 पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी ने अ की मात्रा और आ की मात्रा के जो शब्द हमने अपने पिछले वीडियो में दोहराए थे उसको अच्छी तरह समझ के उसका अभ्यास कार्य भी घर पर पूरा कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी ई की मात्रा की ओर, छोटी ई और बड़ी ई। आप सभी मुग्धा पुस्तिका का पेज नंबर 20 खोलिए। तो चलिए पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा। क में अगर छोटी ई मिला दी तो की, च में अगर छोटी ई मिलाई तो ची। अब देखिए बच्चों, कुछ चित्र दिए हुए हैं और छोटी की मात्रा के कुछ उदाहरण हैं, तो आप अपनी उंगली रखकर मेरे साथ इन्हें दोहराइए। क में छोटी ई मिलाई तो की, स में आ की मात्रा सा, न अ किसान। जब बच्चों याद रखना, जब कोई मात्रा नहीं होती है तो उसके साथ अ की मात्रा छिपी हुई होती है। हम जब उन वर्णों को तोड़ते हैं तो हमें अ की मात्रा लगानी पड़ती है, लेकिन जब वर्णों को जोड़ते हैं, जब शब्द बनाते हैं तो वही अ की मात्रा निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, डा की या। वेरी गुड। म में आ की मात्रा मा, च में छोटी की मात्रा ची, स अ माचिस। च में छोटी की मात्रा ची, ड में छोटी की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या, चीड़िया। अब बच्चों इन शब्दों का उच्चारण आप भी मेरे साथ करिए, और हाँ अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखना ना भूलिएगा। ब में छोटी की मात्रा बी, ल बिल। म में छोटी की मात्रा मी, ल मिल। ह में छोटी की मात्रा ही, ल हिल। स में छोटी की मात्रा सी, ल सिल। ड ल में छोटी की मात्रा ली, या डलिया। ब छ छ में छोटी की मात्रा छी, या बछिया। स र में छोटी की मात्रा री, ता सरिता। क व में छोटी की मात्रा वी, त में आ की मात्रा ता कविता। ह ह में छोटी की मात्रा ही, ल न में आ की मात्रा ना हिलना। म म में छोटी की मात्रा मी, ल न में आ की मात्रा ना मिलना। ख ख में छोटी की मात्रा खी, ल न में आ की मात्रा ना खिलना। स स में छोटी की मात्रा सी, ल ना सिलना। क क में छोटी की मात्रा की, श म में छोटी की मात्रा मी, श किशमिश। र र में छोटी की मात्रा री, म झ में छोटी की मात्रा जी, म रिम झिम। झ झ में छोटी की मात्रा जी, ल म में छोटी की मात्रा मी, ल झिल मिल।
न, न में आ की मात्रा ना, र में ई की मात्रा री, य, ल, नारियल। वेरी गुड बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं छोटी की मात्रा के वाक्यों की ओर। आप सभी मेरे साथ दोहराइए, हिल, मिलकर, रह, गिड़गिड़ा, मत, किशमिश, खा, चिड़िया, मत, पकड़, आज, नारियल, खा, डाकिया, आया, माचिस, मत, जला, कविता, पढ़, फिर, चित्र, बना। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने इन छोटी की मात्रा के शब्दों और वाक्यों का अच्छी तरह मेरे साथ उच्चारण किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी बड़ी ई की मात्रा की ओर। देखिए बच्चों, न में बड़ी की मात्रा नी, क में बड़ी की मात्रा मिलाई तो की। अब इन चित्रों की ओर बढ़ते हैं। र, र में आ की मात्रा न और बड़ी की मात्रा रानी। म, अ, ट, अ, क, बड़ी ई, मटकी। याद है ना बच्चों, जब कोई मात्रा नहीं होती तो उसके साथ अ की छिपी हुई मात्रा जरूर होती है। ब, अ, क, अ, र, बड़ी की मात्रा बकरी। म, अ, छ, अ, ल और बड़ी की मात्रा मछली। आइए बच्चों इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखना ना भूलिएगा। प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी। न में आ की मात्रा ना, न में बड़ी की मात्रा नी, नानी। चा, च में बड़ी की मात्रा ची, चाची। त, त में बड़ी की मात्रा ती, ल में बड़ी की मात्रा ली, तीली। न, न में बड़ी की मात्रा नी, ल में बड़ी की मात्रा ली, नीली। क, क, ड में बड़ी की मात्रा डी, ककड़ी। ध, र, त में बड़ी की मात्रा ती, धरती। ई, ड, ल में बड़ी की मात्रा ली, इडली। क, ब में आ की मात्रा बा, ड में बड़ी की मात्रा डी, कबाड़ी। ल, ड, क में बड़ी की मात्रा की, लड़की। म, क, ड में बड़ी की मात्रा डी, मकड़ी। छ, त, र में बड़ी की मात्रा री, छतरी। क, ह में आ की मात्रा हा, न में बड़ी की मात्रा नी, कहानी। क, प, ट में बड़ी की मात्रा टी, कपटी।
क, र में बड़ी की मात्रा री, ब करीब, क र, न में बड़ी की मात्रा नी, करनी, छ, ब में बड़ी की मात्रा बी, ल में बड़ी की मात्रा ली, छबीली, र, स में बड़ी की मात्रा सी, ल में बड़ी की मात्रा ली, रसीली, ल, क, ड में बड़ी की मात्रा डी, लकड़ी, र, ब, ड में बड़ी की मात्रा डी, रबड़ी। वेरी गुड बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा के वाक्यों की ओर। पढ़ो और लिखो। आप अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए और मेरे साथ इन वाक्यों को पढ़िए। रानी की गाड़ी आई, नानी इडली लाई, मीरा छतरी ला, चाची दीपक जलाकर लाई, कबाड़ी वाला आया, दीदी नीली पीली चौक लाई, गीता रबड़ी खा। वेरी गुड बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। पेज नंबर 22 यानी 22। प्रश्न एक है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। जो चित्र दिए हुए हैं उनके हमें नाम लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। पहला चित्र कौन सा बना है? विनय। वेरी गुड। किताब पढ़, क्या आएगा वहां? किताब। राधिका किस चीज का चित्र बना है? गिलास। राधिका गिलास ला। रवि मछली पकड़। बाजार जा। लीची ला। रीना इमली मत खा। किरण हिरन पकड़। किसान फसल काट। दीपक जलाकर जा। रानी पपीता लाई। किस चीज का चित्र है बच्चों? बकरी। वेरी गुड। बकरी का चारा ला। अब देखते हैं प्रश्न दो, उदाहरण देकर शब्द बनाओ। देखिए एक आपके लिए किया हुआ है। पहले रो में फर्स्ट शब्द है दया, तो द में पहले हमने छोटी ई मिलाई तो क्या बन गया? दिया। फिर अब नेक्स्ट रो में द में बड़ी लगाएंगे, दी या दिया। पहले दिया फिर दिया, ठीक है? तो हमें पहले शब्द में पहला जो वर्ण है उसमें पहली बार छोटी लगानी है और उसके बाद दूसरी वाली लाइन में बड़ी लगानी है। अब है अगला शब्द बना, तो हम सबसे पहले छोटी लगाएंगे ब में, तो क्या बन गया?
बिना। अब बड़ी लगाएंगे ब में तो बीना। अब द में दन है शब्द, द में पहले छोटी लगाएंगे दिन, और अब द में बड़ी लगाएंगे तो दीन। अब अगला शब्द है बन, बन में पहले हम छोटी ई मिलाएंगे ब में तो बिन, अब ब में बड़ी मिलाएंगे तो बीन। अगला शब्द है खल, ख में पहले हम छोटी ई मिलाएंगे तो खिल, और अब ख में बड़ी मिलाएंगे तो खील। वेरी गुड। अब देखिए प्रश्न तीन, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। स में आ मिलाया सा, थ में बड़ी मिलाई थी, कौन सा शब्द बना? साथी। र, र में आ मिलाया रा, न में बड़ी मिलाई नी, रानी। ब, ब में छोटी को मिलाया बी, ट में छोटी को मिलाया टी, य में आ को मिलाया या, बिटिया। ब में अ मिलाया क्या बन गया? ब। क में अ मिलाया क, और र में बड़ी मिलाई री, बकरी। ड में आ मिलाया डा, क में छोटी मिलाई की, य में आ मिलाया या, डाकिया। म में अ मिलाया म, ट में अ मिलाया ट, क में बड़ी मिलाई की, मटकी। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह पेज नंबर 23 में देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ हमें शब्दों को तोड़कर लिखना है। पहला आपको किया हुआ है चिड़िया, च में छोटी की मात्रा, ड में छोटी की मात्रा, और य में आ की मात्रा। अब देखिए हिरन, तो ह में छोटी की मात्रा, र, अ, न, अ। याद है ना बच्चों, जब कोई मात्रा नहीं होती है तो हमें, जब हम शब्दों को तोड़कर लिखते हैं तो अ की मात्रा लगानी पड़ती है। वेरी गुड। अगला है माचिस, इसको कैसे तोड़ेंगे? म, म में आ की आ को मिलाया, च में छोटी को मिलाया, स, अ, माचिस। हाथी, अगला शब्द है हाथी, ह में आ, थ में बड़ी ई, हाथी। अब अगला शब्द है मछली, म, अ, छ, अ, ल, ई, मछली। वेरी गुड। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है? फूल की उस पंखुड़ी को रंगिए जिसके शब्द में छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राएं लगी हो। ठीक है, तो जिस शब्द में छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्रा लगी हो, वैसे शब्द को हमें, वैसे फूल की पंखुड़ी को हमने रंगना है। ठीक है, कलर करना है। ओके, तो अब देखिए पहला फूल देखिए कौन कौन से शब्द हैं। दीपावली, रानी, खिड़की, सितार, पनीर। ऐसी कौन सी पंखुड़ी में शब्द लिखा हुआ है जिसमें दोनों मात्राएं आती है, छोटी और बड़ी? खिड़की। वेरी गुड। तो आपको खिड़की वाली पंखुड़ी को कलर करना है। अगला फूल देखिए, हर एक पंखुड़ी के शब्द पढ़ते हैं। मछली, लड़की, हिरन, नीली, पिताजी। अब कौन सी वाली पंखुड़ी के शब्द में दोनों मात्राएं आ रही है, छोटी और बड़ी ई? वेरी गुड, पिताजी। तो वो वाली पंखुड़ी को हमें कलर करना है। अब अगला फूल देखते हैं, उसकी पंखुड़ी के शब्द को पढ़ते हैं। सियार, हाथी, तिली, साथी और तितली। कौन सी फूल की पंखुड़ी के शब्द में दोनों मात्राएं आ रही है, छोटी और बड़ी ई? तितली। वेरी गुड। तो तितली वाले जो पंखुड़ी है उसे हमें
कलर करना है। तो उम्मीद है बच्चों आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो घर पे ये अभ्यास कार्य आपको अच्छे से करना है और अपनी जो दो लाइन वाली कॉपी है उसमें क्या करते रहना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द मात्रा के, जिस मात्रा के शब्द पढ़ रहे हैं उसे 10-10 शब्द हमें लिखने हैं। अब तक हमने कौन कौन सी मात्राएं सीखी, अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो इन चारों मात्राओं के 10-10 शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। उम्मीद है आप हर एक अभ्यास कार्य के बाद अपनी कॉपी भी पूरी कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक अच्छी आदत सीखते हैं। अच्छी आदत, आपके अगर छोटे भाई बहन घर में है ना, तो आप उनका ध्यान रखिए और मम्मी के, अपनी जो मम्मी है उनके कामों में उनका हाथ बटाइए, उनकी थोड़ी हेल्प कीजिए, फिर देखो मम्मी कितनी खुश होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।